समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना की तारीफ करके सियासी तौर पर घिर गए हैं। विपक्षी पार्टियां खासकर बीजेपी अखिलेश पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। रविवार को हरदोई में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जिन्ना की तारीफ करते हुए नजर आए। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष जिन्ना पर बयान देकर बैकफुट पर आ गए। अखिलेश ने कहा कि गांधी, नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने और आजादी दिलाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश के जुबान से जिन्ना की तारीफ के बोल क्यों फूटे, इसे बीजेपी ने लपक लिया। बीजेपी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि जिन्ना आजादी के नायक कैसे हो गए। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान पसंद करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज इस कदर अंधे होते हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। यूपी का चुनावी समर सिर पर है, लिहाजा नेताओं के एक एक एक्शन और बोली को सियासी नफा नुकसान के लिहाज से मथा जा रहा है। कहते हैं, जुबान से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली लौटकर वापस नहीं आती। साफ है कि जिन्ना पर बयान देकर अखिलेश एंड कंपनी घिर गई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव महात्मा गांधी और जिन्ना पर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव भय पर होंगे, भूख पर होंगे, बेरोजगारी पर होंगे, वारा खिलाफी पर होंगे, महिलाओं के प्रति अपमान पर होंगे, 70 लाख रोजगारों का जो वादा किया था नहीं कर पाए उन पर होंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सूबे में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश का जिन्ना प्रेम कहीं उन्हें भारी न पड़ जाए। टीम न्यूज़ नेशन।